Hello, students. My name is Gargi, and today in this video lecture, we are going to start our chapter two, Children at Work. So this chapter is about a boy named Velu, and he runs away from his house because of his father, and he reaches at Chennai station, Chennai Central Station, and he meets this girl, Jaya. Uh, the name of the girl is jaya and what happens after that how he copes up with uh, being all alone and then when he finds jaya what she tells him how they introduce each other let's see what happens in the story so the story revolves around an 11 year old boy velu velu is 11 years old velu ran away from his house as his father was a drunkard his father was a drunk and uh, he used to

सो आफ्टर रोमिंग अराउंड इन कन्ूर फॉर अ होल डे ही गोट इन टू कन्याकुमारी एक्सप्रेस क्नूर में काफी देर तक घूमने के बाद अब इलेवन ईयर्स का बच्चा है उसको कुछ समझ भी नहीं आया तो बहुत देर तक तो क्नूर में घूमता रहा एंड आफ्टर दैट ही गोट ऑन कन्याकुमारी एक्सप्रेस ही गोट इंटू द ट्रेन विदाउट टिकट एज ही हैड नो मनी अब पैसे तो उसके पास थे नहीं ठीक है वैसे भी जो वो पैसे कमाता था देवर पुअर सो जो जितना भी पैसे कमाता था उसके फादर छीन लेते थे तो उसके पास पैसे नहीं थे तो वो बिना टिकट के ट्रेन में चला जाता है ही रीच चेन्नई सेंट्रल स्टेशन वेलू सो दैट देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड हु वर इन अ हरी वो देखता है कि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं क्योंकि वो छोटी सी जगह से आया था तो उसने इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे और चेन्नई

And uh, people were shouting and playing cards all night. So he couldn't sleep at all. Thus he was unable to sleep and was feeling weak. Also his legs were trembling. On he So he was hungry and he was tired. So he was not feeling good.

जो मे बी ऑर्फन्स होते हैं या जो स्कूल जिनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल नहीं भेजते जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं तो वैसी ही थी जया एंड uh, जया ने जब उसको देखा वेलू को ही वो सिटिंग देयर ऑल अलोन और घबराया हुआ सा वो बैठा था तो जया वेंट एंड टॉक टू हिम सो इनिशियली ही वॉज हेजिटेंट टू टॉक बट शी टोल्ड हिम दैट शी कैन अरेंज फूड फॉर हिम अब जब वेन दे हैड अ कॉन्वर्जेशन सो so, पहले पहले तो ही वॉज अब इट केयर टू टॉक टू जय बिकॉज शी वॉज अ स्ट्रेंजर राइट सो ही वॉज केयर बट धीरे धीरे जब उसने उससे बात की तो उसने अपनी सिचुएशन बताई एंड जय आर टोल्ड हिम दैट आई कैन अरेंज फूड फॉर यू मैं तुम्हारे लिए खाना अरेंज कर सकती हूँ कहीं ना कहीं से दस एज ही हैड नो ऑप्शन ई अग्री टू गो अलॉन्ग विद हर तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं एकदम इतनी बड़ी सिटी इतने साल लोगों के बीच में कहां जाता किसी को जानता भी नहीं था। so, Jaya, कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सो ही वेंट विद्रू द बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक वेलू वॉज अब सो मेनी वेकल्स ऑन द रोड नाव छोटी सी जगह से आया था तो उसने इतना ट्रैफिक कभी नहीं देखा था रोड पे तो ना तो रोड क्रॉस कर पा रहा था एंडरस्टैंड सो फास्ट तो जया उसको ट्रैफिक से निकाला उसको एंड शी वॉज देयर विद हिम ठीक है सो उसके लिए थोड़ा सा एज द पास बाय द सेंट्रल जेल जया वॉन्ट हिम टू नेट बाय द पुलिस

देन वो जब एक मैरिज हॉल के पास जाते हैं तो वहां पे गार्बेज बे, होता है क्योंकि दे डोंट हैव मनी तो वो खाना खरीद नहीं सकते ठीक है एंड एज यू कैन सी हम लगा सकते हैं कि जया इज एन राइट तो जया के पास भी खाना नहीं है तो वो क्या करते हैं गार्बेज में जो फूड वेस्ट हो जाता है मैरेजेज में वो लोग वहां पे फेंक देते होंगे तो वो गार्बेज बिन से उसको दो बनानास और एक वड़ा मिलता है तो वो उसको Uh, she offered the food to Velu but he was hesitant to eat because Velu ne kabhi ने कभी भी ऐसा नहीं किया था उसने कभी भी leke से लेके खाना नहीं खाया था he used to struggle for the food but हाँ वो हमेशा अपने घर में खाना खाता था जैसे तैसे भी खाए बट उसने कभी भी ऐसे uh, गारबेज में से खाना लेके नहीं खाया था सो ही वॉज हेजिटेंट उसको समझ नहीं आता कि क्या मुझे ये खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ही वॉज डिसगस्टेड ऑल्सो

एक एक खुद भी एक उसको सैक देती है और शूज देती है उसको पहनने के लिए क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं होता है पैरों में एंड uh, उसे बोलती है कि तुम भी मेरी हेल्प करो ठीक है जो मैं करती हूँ जैसे मैं गार्बेज कलेक्ट करती हूँ वैसे ही तुम भी मेरी हेल्प करो She explained to him that she picks all the scrap materials from here and there and then sells them to the scraper. अब उसको explain करती है कि वो actual में करती क्या है First of all, uh, Velu was really कि वो घरों को के क्योंकि उसने कभी ऐसे घर नहीं देखे थे उसने हमेशा और कंक्रीट से बने हुए घर देखे थे या फिर आ, सूखी हुई पत्तियों से बने हुए घर देखे थे जो छत पे लगे होते हैं तो उसने सारे यही ऐसे घर देखे थे अपने गांव में बट उसने ऐसे घर कभी नहीं देखे थे टायर्स या प्लास्टिक या इन सारी चीजों से बने हुए तो दे वर वेरी अनयूजल फॉर हिम सेकेंड ऑफ ऑल से जब उसको जया बोलती है कि

जो भी गार्बेज है वो रिसाइकल हो जाता है ठीक है सो so, उसको भी पैसे मिलते हैं को बेच को, बेचने और और भी पैसे मिलते हैं, so वो ये सारी चीजें क्या करती है वेलू को explain करती है, दिस इज नॉट अ गुड जॉब टू डू मतलब ऐसे तो मैं कैसे रह पाऊंगा क्योंकि वो आज तक कभी रहा नहीं था ऐसे बट

ग्लमी ग्लमी इन अ डिप्रेस्ड वे बहुत डिप्रेस्ड हो जाना है वॉट यू कॉल ग्लमी ग्रेंड ग्रेंड मीन्स अ ब्रॉड स्माइल बहुत बड़ा सा स्माइल देते हो ना जब आप खुश हो के उसे ग्रेंड कहते हैं स्क्विंटेड स्क्विंटेड मतलब लुक एट और समथिंग विद और बोथ आईज पार्टली क्लोज इन अटेम्प्टू सी मोर क्लियरली एज अ रिएक्शन टू स्ट्रॉग लाइट या तो आपकी आंखों में बहुत स्ट्रांग लाइट पड़े या बहुत कंसंट्रेट करके कोई चीज देखने के लिए ऐसा आंखें चुटचूटी करके देखते हो दैट इज व्हाट यू कॉल स्क्विंटिंग ट्रिकल ट्रिकल मींस फ्लो ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम लिक्विड का एक स्मॉल सा स्ट्रीम फ्लो करता है उसको हम ट्रिकल कहते हैं ओके दीस आर आवर वर्ड मीनिंग्स लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 विलू ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट व्हाई व्हाई वाज विलू ट्रैवलिंग विदाउट टिकट So, first of all, why was Velu traveling at all? Because his father used to beat him and he snatched all the money that his sister and he uh, brought home. So, he decided to run away from home and he had no money when he decided to run away from home. He packed only clothes, he had no money. So, that's why he couldn't buy any ticket, right? टिकट कलेक्टर्सेंट कलेक्टर वैसे भी टिकट कलेक्टर अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट था उसमें नहीं आता था सो ही ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द गेट ताकि वो अगर उसको भागना भी पड़े इधर उधर तो वो भाग सके आराम से क्वेश्चन नंबर द गर्ल लीड वेलू वेलू कहाँ लेके गई थी गर्ल गर्ल लेड हिम टू अ वेडिंग हॉल एंड रश बिहाइंड इट वेयर देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद विद्रबेज ये वो उसको एक वेडिंग में लेके जाती है जहां पे पीछे की तरफ देयर वाज दिस ह्यूज बिन एंड शी पिक्स अप अ स्कोशी बनाना एंड हेल्प इट आउट टू हिम Usme se she uh, takes out two bananas, she finds two bananas and one vada, right? So, she gives him one vada and one banana and she eats the banana herself. Velu, uh, why, what did they get to eat? Uh, they got a, Velu got a squashy banana and a vada, whereas the girl only got a banana to eat, right? Question number three, what material are the stra uh, strange huts made out of? द स्ट्रेंज हर्ट आई इनवर्टेड कॉमा में क्यों स्ट्रेंज हट क्योंकि वेलू के लिए वो जो हर्ट थी वो स्ट्रेंज थी बिकॉज इट वॉज ही सॉ ऑल दोज हर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इज लाइफ क्योंकि वो अभी कभी भी अपने घर से दूर गया नहीं था तो फर्स्ट टाइम गया था इसलिए वो जो हर्ट्स थी उसके लिए स्ट्रेंज थी एंड दो स्ट्रेंज हर्ट्स व बेल्ट ऑफ मेटल शीट्स टायर्स ब्रेक्स वुड प्लास्टिक एंड लॉट मोर मटीरियल जो भी मिल जाता था लोगों को उससे वो घर बना लेते थे So, why does Velu find them strange? Velu was strange thi? In Velu's village, the houses were made of mud and palm leaves. Village me to mud or palm leaves. Se bante the, ghar, and uh, but he found that huts in the city to be strange because they were made of different stuff, such as metal uh, sheets and etc etc. So that's why all those huts were uh, very strange to him. Question number four.

Uh, जो भी उनको मिलता था वो जम बाजार जगहों को बेच देते थे एंड ही देम अदर फैक्ट्रीज़ जिससे वो रिसाइकल हो सके okay? और उनको भी पैसा मिल जाता था राइट सो दिस वाज़ चैप्टर एवरीवन आई गिव समरी वर्ड मीनिंग्स एंड द वर्ड मीनिंग नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू